देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब मुल्क को संभालना जो वहाँ पे है। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक को मद्देनजर रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। निशान थे तालिबान द्वारा दो पत्रकार को यातनाएं देने वाली जो एक तस्वीर है वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने शेयर की, ट्वीट की। शरीफ हसन ने ट्वीट करते हुए तस्वीर दिखाई। शरीफ हसन ने ट्वीट करते हुए कहा कि काबुल में दो पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया और बुरी तरह से पीटा गया। इसके साथ ही लॉस एंजलिस की पत्रकार मरकम याम ने ट्वीट कर दावा किया है कि तालिबानी जुल्म के शिकार ये दोनों अफगानी पत्रकार इटलाट्रोस के रिपोर्टर हैं जिनका नाम है नेमत नकदी और ताकिक दरियाबी। महिलाओं के प्रदर्शन को कवर करने के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया और तालिबानी हुकूमत द्वारा इनको बहुत ज्यादा पीटा गया। मरकम याम ने ट्वीट करते हुए जो हैशटैग लिखा है उसमें लिखा है जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, यानी कि पत्रकारिता एक जुर्म नहीं है।